संविधान डेवलप नहीं होता है। अधिकांश लोगों ने बहुजन की कल्पना कर ली, सर्वजन की कर ली, हाथी को गणेश बना दिया। एक व्यक्ति के केंद्र में होकर लोकतंत्र नहीं बन सकता। बाबा साहब ने कहा था कि नायक पूजा धर्म के क्षेत्र में मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति क्षेत्र में तानाशाह को पैदा करती है। और हमने हजारों तानाशाह पैदा किए, हजारों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो अमेरिकी हो, हिंदू हो, मोदी हो, माया हो, मुलायम हो, सारे बना दिए। और बहुजन की बात करते हैं, बहुजन नेतृत्व तो एक नहीं हुआ, एक नेतृत्व नहीं हुआ। और जिस दिन ईमानदार नेतृत्व तो पैदा होगा, उस दिन बहुजन की कल्पना जो बाबा बुद्ध साहब की थी वो सफल हो पाएगी। मेरा सबसे पहले मानना है कि आप नागरिक बने, लोकतंत्र को ठीक ठीक समझें, क्या है लोकतंत्र और लोकतंत्र में मेरी भूमिका क्या है बतौर नागरिक। मैं नागरिक हूँ, मेरी भूमिका क्या है, सरकार मेरी है। हम कहते हैं कि भाई सरकार मेरी नहीं है, सरकार क्यों नहीं मेरी, ये क्यों नहीं है, भाजपा सरकार मेरी क्यों नहीं है, मेरी सरकार क्यों नहीं है, सरकार तो मेरी है, संविधान मेरा है। जब हम ये कहते हैं कि हम भारत के लोग, इस देश को संप्रभु, हम लोकतंत्र, हम इसको धर्म निरपेक्ष बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष सॉरी, तो देश भी मेरा है, संविधान भी मेरा है। जब ये भाव आपके अंदर आएगा तब जाके आप लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे, संवैधानिक बात कर पाएंगे। अभी संविधान की बात करते हैं, हम संविधान बचाएं, जितने भी लोग हैं हमारे लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, हम कल चर्चा कर रहे थे, मैं कभी संविधान अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या है संविधान और संविधान में ऐसा क्या है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बताने चाहिए। संविधान बचा भाई, तुमने सत्यनारायण की कथा समझ लिया संविधान को, सत्यनारायण की कथा नहीं है संविधान, सत्यनारायण की कथा नहीं है। तो मैं आपसे नहीं, ताली की जरूरत नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप नागरिक कब बनेंगे, आप इस देश के हिस्सेदार भागीदार कब बनेंगे। जो भी सरकार है वो आपकी है, बहन जी सरकार में आएगी, इससे पहले सरकार हमारी नहीं है तो आप बेवकूफ हैं, हम लोकतंत्र को नहीं समझते, फिर हम राजतंत्र को समझते हैं। सरकार दुश्मन की हो, दोस्त की हो, गैर विचारधारा की हो, वो आपकी है, भारत सरकार है। वो सरकार आपकी है, ना मोदी की सरकार है, ना माया की सरकार है, भारत सरकार। ये जनतंत्र है, जनता की सरकार है, इसको ठीक ठीक जानना होगा हमारे को। और इसमें जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक उन्नति के लिए हो, आर्थिक उन्नति के लिए हो, शैक्षणिक उन्नति के लिए, उसकी हमें चर्चा करनी होगी। हम चर्चा नहीं करते, मैं अभी एक साल से दिल्ली में हूँ, एक स्कीम है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, और आप सभी लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। 100 बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था है, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 100 बच्चे ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं, कैम्ब्रिज जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि अभी हमने 100 में से 33 तक पास भी नहीं हो पाए ढंग से, और हम गर्व करते हैं हम चलाएंगे देश को, हम संविधान को बचाएंगे। शर्म नहीं आती मुझे, मुझे तो आती है भाई, मुझे तो आती है शर्म, आपको आए ना आए, हम बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े नेताओं की बातें करें, मैं नहीं समझता। जब तक मैं नागरिक अधिकार में अपने संविधान के बारे में बात नहीं करूंगा, राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं छोटी बड़ी, सिर्फ चमार के लिए नहीं, वाल्मीकि के लिए नहीं, सभी समाज के लिए बात करूंगा और देश में एक नागरिक की भूमिका निभाऊंगा। उससे पहले बहुजन समाज, जो सर्वजन समाज की बात कर रहे हैं, कभी बहुजन की बात कर रहे हैं, उस दिन तथागत गौतम बुद्ध का सपना सर्वजन सुखाए तब उसका पूरा होता है, और उसके बाद हम इस देश को एक स्वर्णिम भारत बना सकते हैं, इससे पहले नहीं होता। तमाम योजनाएं ऐसी हैं, अभी बिहार में एक मामला हुआ, 200 बच्चे मर गए, 200 बच्चे कुपोषण से मर गए। कुपोषण से मरने के बाद कोई सीएमओ को, कोई मुख्यमंत्री को टोक रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि जब व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि एक भी बच्चा कुपोषित नहीं हो सकता, जब एक बच्चे को 6 महीने से 6 साल के लिए 120 ग्राम पर व्यक्ति घर पहुंचता है खाना उसका, उसके लिए एक आरबीएस की टीम है केंद्र सरकार की, जो उसके घर में जाके 30 तरह की बीमारियां चेक करती है, 30 तरह की बीमारियां। हम क्यों नहीं उससे बात करते, हम सीएमओ से बात क्यों नहीं करते, क्या तेरी टीम क्यों नहीं है ये सक्रिय। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, सरकार बनाने की, बिगाड़ने की बात करते हैं,
मेरा तो मानना एक ही एक, जब तक सत्ता का स्वभाव नहीं बदलता, सत्ता बदलने के कोई मायने नहीं होते। हमने बैकवर्ड की सरकार देखी है, बनाई हमने बैकवर्ड की सरकार, दलित की बनाई है हमने, चमारी को मुख्यमंत्री बनाया है चार बार, हमने यादव को बनाया चार बार, क्या फर्क पड़ा? मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूं, मैंने कोई अंतर नहीं देखा। जो आपका सेक्रेटरी है, गांव ग्राम सचिव जिसको बोलते हैं, आप लोग शायद जानते नहीं हो, शहरों में रहते हो, एक ग्राम सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का चीफ सेक्रेटरी होता है समझ लीजिए, वो सारे पैसे को वो खर्च करता है, एक पटवारी होता है तो वो सारा का सारा हजम कर जाता है। तो मायावती सरकार में, मुलायम सरकार में, लालू की सरकार में और तथाकथित मनुवादी सरकार में अंतर क्या है? कोई नहीं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी वही चोरी होती है और मोदी की सरकार में भी होती है, वही दरोगा पीटता है हमारे को, हमारी हिम्मत थाने में जाने की नहीं होती है, तो भाई सरकार का मतलब क्या है, अंतर क्या है? तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, तो सत्ता बदलने से पहले सत्ता का स्वभाव बदलो, सत्ता का स्वभाव लोकतांत्रिक बनाओ, और लोकतांत्रिक के मतलब जाने, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में सत्ता विरोध से मजबूत होती है, हम विरोध करते ही नहीं है। अब सरकार भाजपा की है, सारे पॉलिटिकल पार्टी शांत बैठी है, तो हम विरोध नहीं करेंगे 370, हाँ हम समर्थन करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण असंवैधानिक रास्ते कर रहे हैं वो हम समर्थन करेंगे। तो इतनी ही देर तो होनी चाहिए कि नहीं, मैं नागरिक हूँ और नागरिक के लिए मेरा लोकतांत्रिक दायित्व क्या है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।